हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम अभी सीजीएल मेंस के लिए, या फिर आप मान के चलो अगर सीजीएल 2021 आपका प्री एसएससी लेती है, तो इसके लिए हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। ज्योमेट्री की अभी तक एक वीडियो आई है, उसमें हमने क्या है यहाँ तक किया था। अगर कोई नया जुड़ा है या जिसने वीडियो नहीं देखे तो ज्योमेट्री की पहली वीडियो देख लो। टोटल 99 पेजेज हैं, उसमें से हमने 12 पेजेज अभी तक किए हैं। यानी ऑर्थो सेंटर हमारा हो चुका था, लोकेशन कहाँ हुई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सरकम सेंटर। मैंने बताया था इन सेंटर होता है एंगल बाई सेक्टर, ऑर्थो सेंटर होता है आपका वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री, और जो सरकम सेंटर होता है वो होता है जैसे हमने ट्रायंगल दे रखी है, हम 10th में करते थे कि यहाँ से एक चाप लगाई, यहाँ से एक चाप लगाई, 90 डिग्री बनाया। तो यानी इस भुजा का बाइसेक्टर, और जो 90 डिग्री पे काटे इसको, मतलब इस भुजा का बाइसेक्टर और जो इस पे 90 डिग्री बनाए, इस भुजा का बाइसेक्टर जो इस पे 90 डिग्री बनाए, ये होता है हमारा सरकम सेंटर। यानी यदि मैं इसको सेंटर मान के, जो हमारा ये पॉइंट है इसको सेंटर मान के एक लाइन ड्रॉ करूँ, सॉरी एक सर्कल खींचूँ, तो ये उस सर्कल का होगा सेंटर। अब जो ये वाली है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये हमारी कहलाएंगी इसकी रेडियस, और जो होंगी आपस में बराबर। अब यहाँ से जैसे उनकी प्रॉपर्टी थी कि कुछ ना कुछ रिलेशन होता, तो यहाँ से क्या रिलेशन है, जो आपका रेडियस जो एंगल बनाएंगी, जैसे ये दो रेडियस हैं, ये मिलके जो एंगल यहाँ पे बना रही हैं वो उसके जो अपोजिट एंगल होगा उसका डबल होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो एंगल ए होगा वो एंगल बी ओ सी का आधा होगा। ऐसे ही एंगल बी की यदि मैं बात करूं वो आपका ए ओ सी का आधा होगा, यदि मैं एंगल सी की बात करूं तो वो आपका ए ओ बी का आधा होगा। तो ये हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी है। अब आगे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर का पूछेगा आपसे लोकेशन क्या है। जैसे ऑर्थो सेंटर की लोकेशन होती है एक्यूट वगैरह में इनसाइड थी, राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका परपेंडिकुलर और बेस जहाँ मिल रहे थे वहाँ थी, ऐसे ही इसमें जो इक्विलेटरल एक्यूट है उसमें लोकेशन होगी इनसाइड, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल है यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके अंदर मिलेंगे। अब यदि मैं बात करूँ राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड को काटने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ मिलेगा, और इस साइड को काटने वाला यहाँ मिलेगा। अब जो तीसरी साइड है उसका मिड पॉइंट ये होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा होगा सर्कम सेंटर। यदि मैं इसको पॉइंट मान के एक सर्कल खींचूं तो ये हमारे सर्कल का सेंटर होगा। अब यहाँ से एक चीज जो नोट करने वाली है वो देखो, यदि ये पॉइंट ओ है तो आपका जो ए ओ है और जो आपका बी ओ है और सी ओ, ये क्या है बराबर, यानी ए ओ बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, और ये होंगे बराबर रेडियस के। तो इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, आपको बेस और हाइट दे देगा राइट एंगल ट्रायंगल का, पूछेगा जो सर्कम सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस क्या होगी, आपकी जो हाइपोटेनियस आएगा या फिर करण आएगा उसका आधा कर दो। यही यदि इन सर्कल की पूछता, मान लो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो कहे कि इसके अंदर जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस सी बटे दो, यानी बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेनियस, यानी आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे दो। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो थोड़ी ये टेढ़ी है, थोड़ी ये टेढ़ी है, तो जो यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे मिला था वो थोड़ा ऊपर मिलेगा जाके ये वाला, तो यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में इसकी लोकेशन होगी बाहर। नेक्स्ट आपका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है जैसे सर्कम सेंटर क्या था आपका, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये होगा साइड को बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि हो या ना हो। तो यानी यदि वर्टेक्स से मैं ए और बी और सी वर्टेक्स हैं, यहां से सामने वाली भुजा को दो भागों में डिवाइड करती हुई लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये वाला पॉइंट होगा
ये इस बाइसेक्टर को दो भागों में तोड़ेगा, एक भाग बड़ा होगा एक भाग छोटा। जैसे इसमें ये भाग बड़ा है ये छोटा, इसमें ये भाग बड़ा है ये छोटा, तो जो बड़ा भाग है रेशो छोटा भाग होगा वो 2:1 में होगा। यानी हम कह सकते हैं आपका ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू 2:1। और जो बी ई और सी एफ, ये क्या आपने मीडियन यानी इसको दो भागों में तोड़ने वाले बाइसेक्टर बात करें हम, तो इनको यदि ई एफ को मिला दें तो आपका जो ए ओ और ओ जी इसमें भी एक रिलेशन होता है वो रेशो 3:1 में है। ये भी मेंस में 2-3 बार पूछा गया है ये प्रॉपर्टी कि जो आपका ए ओ और ओ जी है उसका रेशो क्या होगा। ये वाली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कह रहा है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट द अपोजिट साइड एंड परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड। यानी हमें एक ट्रायंगल दे रखी है, ये आइसोसेल्स है और इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा ये थीटा है। तो जो आइसोसेल्स ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, एक तो सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ेगा और जो ये एंगल होगा ये 90 होगा। तो इसके बेस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या दे देगा वो कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है और सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री है, तो आपको आइडिया लगा लेना है कि वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट है, अब ये कुछ प्रॉपर्टी दी गई है मीडियन की। भाई कोई एबीसी ट्रायंगल है उसमें मीडियन एडी बीई और सीएफ दे रखे हैं, तो क्या होगा जो आपकी साइड का सम है वो लेस देन 4/3 आपके मीडियन का सम होगा। ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछते हैं। और जो 3 टाइम्स ऑफ ए ओ स्क्वेयर प्लस बी ओ स्क्वेयर प्लस सी ओ स्क्वेयर यानी 3 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड के स्क्वेयर के बराबर आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि हमें मीडियन गिवन और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो आप जो मीडियन की लेंथ है उसको आप एक ट्रायंगल मान लो, मान लो 3 4 5 अपने को मीडियन है, तो 3 4 5 से एक ट्रायंगल फॉर्म होगी यानी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा और उसका 4/3 कर दूंगा तो वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। यानी हमें लेंथ ऑफ मीडियन गिवन है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और अब ये कह रहा है जो आपकी साइड की लेंथ है वो बड़ी होती है किससे, मीडियन की लेंथ से। और 3 टाइम्स ऑफ साइड की लेंथ का स्क्वेयर का सम इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ मीडियन की लेंथ का स्क्वेयर का सम। तो ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। आगे है भाई कोई भी ट्रायंगल दे रखी हो उसमें हम इन सर्कल की रेडियस सर्कम सर्कल की रेडियस या फिर एरिया वेरिया कैसे निकालेंगे। देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, आपके क्या है वर्टेक्स है ए बी और सी, ये मैंने ए के सामने साइड मान ली, ये मान लो एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। तो जो इन सर्कल की रेडियस है वो हमें फॉर्मूला पता है एरिया बाई एस होती है। एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर होगा पूरा तीनों भुजाओं का जोड़ या चारों भुजा, पेरीमीटर होता है आपकी बाउंड्री कितने लंबी है, तो उसके बटे 2। यदि सर्कम सर्कल की बात करूं मैं तो ए बी सी यानी जो साइड दे रखे हैं ट्रायंगल की तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बाई 4 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये तो हो गया हमारा इसकी रेडियस, अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया के पास हमारे हीरोज फॉर्मूला है, ये हीरोज फॉर्मूला है आप सभी ने पढ़ा होगा कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एरिया होता है। और जहाँ पे ये एस होता है वो आपका सेमी पेरीमीटर है यानी ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी और सी आपकी साइड्स हैं। यदि मीडियन गिवन है तो हीरो का फॉर्मूला लगा दो मीडियन पे, यानी जो मीडियन की साइड पी क्यू आर है उस पे हीरो का फॉर्मूला लगा के 4/3 कर दो, यानी जो मीडियन से ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया का 4/3। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है आपकी जिसकी दो साइड बराबर हो, तो उसकी जो हाइट निकालेंगे हम ए डी इज इक्वल टू 1/2 × 4a² - b², ये कैसे हुआ, ये मान लो इसकी हाइट है ये 90 डिग्री है, तो आपका ए बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वेयर प्लस बी डी का स्क्वेयर। यहाँ से आप ए बी का स्क्वेयर आपका ए स्क्वेयर है माइनस बी डी का स्क्वेयर है b² / 4 इज इक्वल टू ए डी, इसका रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यदि मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया होगा 1/2 × आधार × लंब यानी 1/2 × बेस और ऐड हो जाएगा, और हाइट हमारी ये निकली थी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा b/4 4a² - b². आगे स्टैलवर्ट थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
इसका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, बस ये है कि ट्रायंगल किसी में कोई और दे देगा, किसी में कुछ दे देगा। तो ये क्या कह रहा है, स्टेलबर्ट थ्योरम कहाँ लगेगी, हमारी एबीसी कोई ट्रायंगल है, अब ए बी की लेंथ हमने सी मान ली, इसकी लेंथ हमने बी मान ली, इसकी लेंथ हमने ए मान ली, तो जो ए डी है ए से भुजा बी सी पर कोई पॉइंट डी है, यदि इसको मिला दें तो हमसे वो इसकी लेंथ पूछता है कई बार, और हमें ये दे देगा कि ये इसको एम रेशो एन में तोड़ती है, यानी ये लेंथ एम है और ये लेंथ एन है। तो इसके लिए फॉर्मूला है भी, जो आपकी साइड दे रखी है सी स्क्वेयर इंटू जो अपोजिट साइड की लेंथ है जिसमें तोड़ा है एन, प्लस बी स्क्वेयर इंटू अपोजिट साइड की एम, इज इक्वल टू इन दोनों का जोड़ एम प्लस एन इंटू जो हमारी ये जो लेंथ है ए डी, एक्स स्क्वेयर प्लस जो ये एम और एन इनका प्रोडक्ट, ये बड़ा फॉर्मूला है। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा बार इसकी प्रॉपर्टी ये पूछी हुई है मैक्सिमम टाइम्स, ये क्या कह रही है, यदि ए डी मीडियन होगा तो एम की वैल्यू एन हो जाएगी, जब इस क्वेश्चन में एम इज इक्वल टू एन रखेंगे तो वहां से फॉर्मूला निकलेगा सी स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर या फिर एन स्क्वेयर, यानी इसका स्क्वेयर जमा इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ या बी डी ले लो या सी डी ले लो क्योंकि दोनों बराबर हैं, प्लस जो ये वाली ए डी है इसका स्क्वेयर। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होती है, लेंथ बराबर होती है, यानी सी इज इक्वल टू बी, तो वहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा जो सी स्क्वेयर होगा हमारा, यानी ये वाला, या फिर ये वाला भी कह सकते हैं, जैसे सी और बी हैं वो दोनों बराबर हैं, तो इसका स्क्वेयर या फिर इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर जमा एम इंटू एन, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब यदि हमारी ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यदि ये एंगल बाइसेक्टर गिवन होता तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपका अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, ये कह रहा है भाई ये आपको क्या दे देगा, एक ट्रायंगल दे देगा ए बी सी, और इसमें बोलेगा कि आपका जो ए एम है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी यदि मैं बात करूं ये थीटा है तो ये थीटा है, और जो ए एम है वो आपका परपेंडिकुलर दे देगा, तो पूछेगा इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना होगा, यानी मैं बात करूं तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा एंगल सी माइनस एंगल बी बटे दो। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सी और बी किस में से क्या घटाएं, अब बी और सी आपका गिवन है तो सही है, बड़े में से छोटा घट के बटे दो कर देंगे, लेकिन जब एम एन गिवन होगा तब किस में से क्या घटाएंगे, यानी अपने को एक एंगल गिवन नहीं होगा, तो हमें ध्यान रखना है यदि हमें डायग्राम गिवन है तो जो 90 डिग्री के जस्ट पास वाला एंगल है वो बड़ा होगा, यानी एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी, यानी एंगल सी आपका ग्रेटर देन एंगल बी होगा। अब जो आगे वाली प्रॉपर्टी है, इस पे भी कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जो ए बी सी ट्रायंगल गिवन है इसमें आपका एक्सटर्नल एंगल बी का दे देगा ये का दे देगा, देखो इसको हम निकाल लेंगे इजिली, क्या करेंगे, यदि हमें एक्स गिवन है तो 180 में से एक हटा देंगे, वाई गिवन है 180 में से एक हटा देंगे, ये आ जाएगा, फिर एंगल ए पूछा होगा तो तीनों का जोड़ 180 होता है, फिर घटा देंगे, तो उसी को इक्वेशन लेंगे, उसको जब छोटा करेंगे तो आपका ये रिलेशन ड्राइव होगा कि जो आपका एक्स प्लस वाई है इनका जोड़ आपका एंगल ए प्लस पाई यानी 180 डिग्री होगा, एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ए। नेक्स्ट आपकी इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आप कोई भी चीज याद रखो एक रखना है, दोनों में एक ही फॉर्मूला है, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो ए बी सी ट्रायंगल लेनी है दोनों केस में, ए बी सी ट्रायंगल है यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा है ये थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक रेशो बनाता है, वो क्या बनाता है कि जो साइड का रेशो होता है आपका जहाँ से आपका एंगल डिवाइड हो रहे हैं, मतलब जो ये एंगल ए है ये बाइसेक्टर था इसका ए डी ए से निकला है, तो जो इसके साथ लगती दो साइड है उनका रेशो इज इक्वल टू जो इस ए डी ने सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ा है बी डी अप बाई डी सी, यानी ए बी के साइड में बी डी है और ए सी के साइड में ये, तो ये रेशो होगा। यदि मैं बात करूं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की, ये ट्रायंगल है यहाँ पे एक्सटर्नल है इसका बाइसेक्टर इसको यहाँ मिल रहा है, इसमें भी वही फॉर्मूला है भाई, जो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई
बी डी ये हो जाएगा और डी सी। इसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा है कि बी सी पहले आएगा बटे सी डी आएगा या फिर बी डी आएगा क्या आएगा। आपको अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप डायरेक्ट ये ले लो, जो इसमें है वही इसमें है, ए बी सी, ये ट्राइंगल थी डी है, तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, इसमें भी ये है ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। अब आगे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या कह रहा है भी देखो, हमें मीडियन दे दिए ए बी, ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ए जी बी एफ और सी एफ ये आपके मीडियन है। जो मीडियन होते हैं वो एरिया को हमेशा दो भागों में तोड़ते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, यदि मैं कहूँ ये इसका मीडियन है, यानी आप कहेंगे कि भाई ये और ये बराबर है, तो इसका जो एरिया होगा यानी जो ये वाला एरिया है वो इस वाली एरिया के बराबर होगा। यदि मैं तीनों मीडियन को कहीं जोड़ दूं, अब इसमें देखो हम इसकी हेल्प से ये करेंगे, भाई हमें ए बी सी गिवन था, ए बी सी यहाँ पे यदि मैं इन पॉइंटों को मिलाऊं जो मीडियन है इस पे, तो यहाँ तीन ट्रायंगल बनेंगी इक्वल एरिया की, एक दो और तीन। तो इसमें देखो ए ई एफ बी जी ई सी जी एफ और ई एफ जी, यदि मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये आपकी ए ई एफ, ए ई एफ यानी ये ट्रायंगल थी, इसके मीडियन आपस में ये मिला दिए। तो अब मैं यदि इनको आपस में जोड़ू यहाँ पे, तो ये चार ट्रायंगल बनेंगी इक्वल एरिया की। पहली ट्रायंगल आपकी ये होगी, दूसरी ट्रायंगल ये होगी, तीसरी ये होगी और चौथी ये होगी। इन चारों का एरिया बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि आपकी जो ये ट्रायंगल है और ये जो अंदर बन रही है दो तीन और ये चार, ये सभी क्या होंगी इक्वल एरिया, यानी सबका एरिया हुआ एक बटे चार इंटू एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ ये वाला देखो, ये वाली ट्रायंगल थी, ये हमने मेडियन खींचे। अब ये मैंने बताया कि ये चार एरिया बराबर होंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी जो ये अंदर वाली ट्रायंगल है इसका एरिया हुआ एक बटे चार इंटू टोटल एरिया। अब जो ये अंदर एरिया बना है इसमें फिर तीन बराबर एरिया डिवाइड हो रही है। देखो ये वाला जो एरिया है इसमें तीन एरिया है, एक तो ये वाला, एक दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। थोड़ा कलर कर देता हूं मैं, ये वाला एरिया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी ये पहले तो क्या है टोटल एरिया का एक बटे चार हुआ। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो ये एक बटा तीन और हो जाएगा, यानी जो आपका टोटल एरिया है उसका टोटल एक बटे बारह हो जाएगा। तो ये यही करें। अब आगे है ट्रायंगल बी ओ जी, बी ओ जी देखो ये ओ पॉइंट है, यदि मैं बात करूं बी ओ जी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था यदि देखो ये बी ओ जी है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये वाला ये वाला ये वाला आपका ये वाला और ये वाला, तो टोटल एक दो तीन चार पाँच और छः, यानी छः इक्वल पार्ट के एरिया बनेंगे। तो बी ओ जी का एरिया होगा एक बटे छः इंटू एरिया हो ए बी सी। अब ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, बी ओ सी जैसे ये वाला, ये ए था बी था सी था ये ओ था, तो बी ओ सी का एरिया, तो ये तीन बराबर इक्वल एरिया में डिवाइड होंगे, तो ये होगा एक बटा तीन। नेक्स्ट आपका ये एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, भाई आपको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल दे रखे, यानी ये एंगल आपका 90 से बड़ा है। जब ये आपका 90 से बड़ा है तो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आपका ए सी क्या है, ए सी की लेंथ पूछता आपसे। और ये वाला क्या, आपने यहाँ पे यदि इसका 90 डिग्री खींचे हम, तो ये एक डी पॉइंट पे मिलेगा और डी बी को हमने मिला दिया। तो जो आपका पहले तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी निकालनी है कि भाई जो ए सी का स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी डी इंटू डी सी, यानी टू टाइम्स ऑफ बी डी इंटू डी सी, ये वाला बी डी इंटू कंप्लीट लेंथ डी सी।
अब नेक्स्ट आपका, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दे रखी है और इसमें एई मीडियन यहाँ है, सीडी मीडियन यहाँ है और जो डी और ई को पॉइंट जो लाइन मिला रही है वो ये वाली है। अब आपसे कुछ रिलेशन पूछता है इसमें, भाई दो मीडियन दे देगा तो पूछेगा एसी का स्क्वायर क्या होगा या फिर डीई का स्क्वायर क्या होगा। देखो जो एई का स्क्वायर है यानी आपका जो पहला मीडियन था इसका स्क्वायर जमा सी डी का स्क्वायर दूसरा मीडियन था वो 5 टाइम्स ऑफ डी ई का स्क्वायर होता है। डी ई वो लाइन है जो इन दोनों को पॉइंट को यहाँ मिलाती है और 4 टाइम्स ऑफ जो मीडियन है इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है और जो दो आपकी ये मीडियन है इनका स्क्वायर बराबर होता है आपकी जो लाइन इनको मिला रही है प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, बहुत बार पूछते हैं। आगे है अगर टू मीडियंस आर परपेंडिकुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारी वही प्रॉपर्टी है जिन पे क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर हमारे एसएससी के आते हैं। तो ये क्या कह रही है कि जब एक ट्रायंगल गिवन है उसके दो मीडियन 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही हैं तो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, जिस लाइन से दो मीडियन निकले हैं यानी बीसी है इससे निकले हुए हैं तो इसका 5 टाइम्स इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू जो अपनी दो अलग साइड बच गई उनके स्क्वेयर के बराबर होता है। यहाँ पे स्क्वेयर कर लेना यानी आपका ए बी का स्क्वेयर यानी इसका स्क्वेयर जमा इसका स्क्वेयर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वेयर। नेक्स्ट आपका एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है उसमें ए डी मीडियन है और एंगल बाइसेक्टर है यानी ए डी मीडियन भी है, मीडियन है तो इसको दो भागों में तोड़ रहा है और एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल ये इसके बराबर है तो हमसे इसकी लेंथ दे देगा कि भाई इसकी लेंथ इतनी है तो बताओ मीडियन की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आपका कि जो एडी की लेंथ होगी वो होगी 2 टाइम्स इंटू ए बी इंटू ए सी बाई ए बी प्लस ए सी यानी जिस जो एंगल जिस साइड से एंगल निकल रहा है उन दो साइड्स का प्रोडक्ट और नीचे सम इंटू कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो एग्जाम में आता है ये आपसे ये जो कंप्लीट एंगल है जो 2 थीटा है ये आपको या तो 120 गिवन होगा या फिर 2 थीटा आपको 60 डिग्री गिवन होगा। तो वहाँ से थीटा पहले वाले केस में 60 हो जाएगा दूसरे में 30, जो 60 हो गया तो यहाँ 1/2 हो जाएगी वैल्यू आपका तो डायरेक्ट कोस 60 की वैल्यू तो डायरेक्ट रिलेशन ये बचेगा। जब आपका 30 हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा। तो नेक्स्ट आपका इन सेंटर, इन सेंटर हमने किया था कि आपके एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वो इन सेंटर है तो अब की बार ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था और आई थिंक प्री में भी था 2020 के। तो उन्होंने क्या किया था आपकी साइड की लेंथ दे दी तो आपका ए आई बाई आई डी पूछा था वो क्या होगा। देखो ये ए बी सी है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं, ये इस पॉइंट आई पे मिल रही हैं तो जो आपकी ए आई अपॉन आई डी वो होता है, देखो ए आई कहाँ से निकला हुआ आपका ए सा तो जो साइड ये एंगल बना रही थी यानी ए बी प्लस ए सी इन दोनों का जोड़ बटे जो सामने वाली साइड है बी सी। और इसके दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आते हैं, क्या होता है कि जो ए आई है यानी जो बड़ी लेंथ है बटे टोटल लेंथ ए आई बाई आई डी सॉरी ए डी और बी आई बटे बी ई प्लस सी आई बटे सी एफ वो होते हैं आपके 2 के बराबर और यदि आप छोटी लेंथ ले लोगे तो ये 1 के बराबर होगा यानी आई डी बटे ए डी टोटल लेंथ प्लस आई ई बटे बी ई प्लस आई एफ बाई सी एफ इज इक्वल टू 1। आगे है यूज ऑफ स्टालवर्ट थ्रोट, मैंने बताया था कि आगे एंगल इंटरनल बाई सेक्टर दे रखा हो यानी इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर भी गिवन होगा तो इसका थ्योरम का यूज हम कैसे करेंगे। देखो ये ट्रायंगल है इसमें ये एंगल बाइसेक्टर दे दिया आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और वहाँ पे ये एम रेशो एन था तो यहाँ पे हमने एक्स वाई ले लिया ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये इनकी साइड दे दी तो यहाँ से एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जो आपका ए डी का स्क्वेयर है वो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी आगे की बने ए डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी साइड का मल्टीप्लीकेशन या माइनस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर,
एक्सटर्नल बाई सेक्टर में ये चीज़ क्या है, पलट जाएगी। साइड नहीं गिवन, यहाँ साइड लिख लेते हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और बी डी आपका एक्स है और सी डी आपका वाई है। यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है क्योंकि ये एक्स और वाई की लेंथ ए और बी से कहीं ज़्यादा होती है इसमें, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो जो ए डी का स्क्वेयर है, यानी जो इसका स्क्वेयर है, वो आपका आएगा एक्स यानी बी डी इंटू वाई आपका सी डी माइनस ए इंटू बी। नेक्स्ट आपकी इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम आपने हर एग्जाम में देखी होगी। ये भी, ये क्या कह रही है कि आपकी कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें जो जो बी है, बी का तो इंटरनल बाइसेक्टर और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो होगा डी, तो उसका मान हमेशा जो तीसरा एंगल बच गया ए, इसका आधा होगा, ए बटे दो। तो यानी बी डी सी आपका वो एंगल ए बाई टू होगा। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सर्कम सर्कल रेडियस। ये क्या है, आपको एक ट्रायंगल गिवन होगी ए बी और सी, इसमें ये आपके ए बी और सी है, साइड की लेंथ है, यानी ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी। अब साइड की लेंथ, एंगल ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, तो ये क्या कह रहा है, आपकी जो साइड की लेंथ है बटे उसके जो सामने एंगल होता है वो इज इक्वल टू, ये एक रेशो में होंगे, यानी ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। इनमें से यदि हमें दो वैल्यू गिवन होंगी, तीसरी निकालनी होगी, और ये सभी बराबर होते हैं आपके टू इंटू आर, जो आपके आर है वो सर्कम सर्कल रेडियस है, सर्कम सर्कल की रेडियस है, इसको बोलते हैं हम साइन रूल। ऐसे ही कोसाइन रूल होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी है, ये क्या है, आपकी अंदर कोई पॉइंट दे देगा ट्रायंगल के, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये ए है साइड, ये ए है, ये ए है, तो अंदर कोई पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट से तीन लाइनें खींचेगा वो, जो आपकी साइड्स के पैरेलल होंगी। तो यानी ये वाली तो आपकी इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, और ये वाली बेस के पैरेलल है। तो जब तीनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो साइड होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो तीनों का इनका सम होगी, यानी पी ई प्लस पी एफ प्लस पी डी, जब तीनों को जोड़ देंगे हम, इसको जमा इसको जमा इसको, तो आपका साइड के बराबर आ जाएगा। ऐसा ही आपका आइसोसेल्स के लिए भी है, देखो यहाँ तो तीन है, आइसोसेल्स में दो साइड बराबर होती है, तो वहाँ पे दो पॉइंट गिवन होंगे आपको। ए बी सी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें आपका पी डी पैरेलल टू ए सी और पी ई पैरेलल टू ए बी, यानी ये डी है आपका और ये सी है, तो आपका जो पी सी है वो पैरेलल टू ए बी है और ये पैरेलल टू आपका ए सी है। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी डी पी प्लस पी ई, यानी जो डी पी प्लस पी सी, सॉरी सी पॉइंट था, ये था हमारा ई, डी और ई है, यानी जो आपका पी डी है वो पैरेलल टू ए सी है और पी ई पैरेलल टू ए बी है। तो डी पी प्लस पी ई यानी इसका सम जमा इसका सम, जो आपकी दो साइड बराबर थी, ये आपकी ए थी, ये आपकी ए थी, ये इसके बराबर होगा। तो नेक्स्ट आपका डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अपने को क्या है, एक ट्रायंगल वरेंगल या कुछ भी दे रखी है, तो उसमें हमें दे देगा कि भाई जो इन सर्कल है उसकी रेडियस आर है, जो सर्कम सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इनके बीच की दूरी बताओ। तो दूरी का फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू, जो सर्कम सर्कल की रेडियस है उसका स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स ऑफ आर इंटू आर। आगे वाला ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या गिवन होगा कि आपका कोई भी ट्रायंगल दे देगा, अब उस ट्रायंगल में किसी एक साइड पे, देखो ये आपको इक्विलेटरल दे देगा या राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, तो एक साइड पे बोलेगा कि एन सर्कल्स लाई कर रहे हैं,
तो एन सर्कल्स लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको बताना है कि जो छोटे सर्कल होंगे उसकी रेडियस क्या होगी, आपको ट्रायंगल की साइड दे देगा वो क्या क्या है। देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है बी आर बाई टू आर एन माइनस वन प्लस बी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। जो आर तो होगी ये छोटे सर्कल की रेडियस, और बी होगा वो बेस जिसपे आपकी सर्कल्स हैं। जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, और इस पे क्या देगा ये भाई, इस पे 30 40 सर्कल हैं ऐसे ऐसे। तो जो यहाँ पे ये सर्कल होंगे एन हो गए, आपके नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं मान लो 30 हैं, और जो बी यहाँ पे बेस जिस पे लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा जिस बेस के साथ लाई कर रहे हैं, बाई आर। देखो आर यहाँ इंपॉर्टेंट है, आर क्या होता है, आर होती है आपकी उस ट्रायंगल के अंदर जो उसका इन सर्कल होगा, यानी इस ट्रायंगल के अंदर जो इसका इन सर्कल होगा उसकी रेडियस आर, आर होती है आपके इन सर्कल की रेडियस। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर यदि मैं इन सर्कल खींचूं तो ये आपका है आर। आप आगे आपकी लेडर थ्योरम, लेडर थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं या मॉक वगैरह में आप देखते होंगे। तो ये थ्योरम क्या कहती है, आपकी ए बी सी ट्राइंगल है, बी ई आपका ए सी पे पॉइंट है और सी डी आपका इस पे पॉइंट है, आपका ए बी पे। तो जो इनके एरिया है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है, ये एरियाज हैं। तो लेडन थ्योरम क्या कहती है, जो डेल है वो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया है, तो वन बाय डेल प्लस वन बाय वाई, यानी वन अपॉन कंप्लीट प्लस वन बाय वाई क्या है सबसे बड़ा एरिया होगा इसमें, इज इक्वल टू वन अपॉन इन दोनों का जोड़ कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस इन दोनों का जोड़ कर दो एक बटा करके वाई प्लस जेड। यानी लेडर थ्योरम आपकी क्या कहती है, एक्स वाई जेड है एरिया है, ये ट्रायंगल विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डेल से, तो यानी वन अपॉन डेल प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन वाई प्लस जेड। नेक्स्ट आपका सीवियन, देखो सीवियंस क्या होती हैं भाई, जो भी जो आपका वर्टेक्स है उससे सामने वाली भुजा पे जो लाइन काटेगी, अब ये सीवियन आपकी क्या है, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री होगी या फिर ये मीडियन होगी, इसके अलावा कोई भी लाइन हो सकती है, तो उन लाइनों को बोलते हैं हम सीवियन। तो ए डी है और बी है और सी एफ है, ये आपकी है सीवियंस। अब सीवियंस पे काफी बार क्वेश्चन आया है, तो इसके क्या क्या रेशो होते हैं, देखो किसी भी एक वर्टेक्स से आपको चलना है, मैं मान लो इससे चल पड़ा, तो ए एफ बाई एफ बी, यानी पहली जो लेंथ है बटे दूसरी लेंथ इंटू ये वाली लेंथ बटे ये वाली लेंथ सी डी इंटू ई सी बटे ए ई, जो इनका मल्टीप्लीकेशन होती है वो आती है आपकी वन। और देखो ये वाला पॉइंट था, मैं इससे चला ए एफ और ये साइड है, यानी ये ए बी लाइन है ये ए सी लाइन, यदि मैं पूछूं इससे जो ए जी होगा बटे जी डी, ए जी बाई जी डी इसकी रेशो क्या होगी, तो आपको क्या करना है, जो ये ए एफ था बटे एफ बी प्लस ए ई बटे ई सी, यानी इन दोनों को जोड़ देना है कि भाई जो इसके बटे ये प्लस इसके बटे ये, जो वो रेशो आ जाएगी वो होगी इसके बटे इसकी क्या रेशो है। नेक्स्ट आप मैनिलोस थ्योरम भी वही है जो आपने ऊपर की है सीवीएन की, बस इसमें सीवीएन क्या है, रिप्रेजेंटेशन आपकी अलग कर दी है। ये क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, अब बीडी है जो डी पॉइंट इन्होंने यहाँ ले लिया बाहर, वहाँ पे ट्रायंगल के अंदर था यहाँ बाहर ले लिया, तो फॉर्मूला वही है, आप ए एफ बटे एफ बी यानी ए एफ बटे एफ बी इंटू बी डी, डी पॉइंट तब कहाँ था यहाँ था, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी यानी बी डी बाई डी सी इंटू सी ई बाई ए ई इज इक्वल टू वन होता है। यदि आपको कन्फ्यूज हो कि ऐसा डायग्राम दे दे और किसी की भी लेंथ पूछी हो, तो आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है। देखो मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, इसमें भी सेम है, ये वाला डायग्राम बना लेना है, डी को बाहर खिसका दिया बस, तो ए एफ बाई एफ बी इंटू बी डी बाई डी सी इंटू सी ई बाई ए ई, तो ए एफ बाई एफ बी इंटू बी डी बाई डी सी इंटू सी ई बाई ए इज इक्वल टू वन।
नेक्स्ट आपका कर्नोज थ्योरम। कर्नोज थ्योरम क्या कहती है कि आपको एक ट्रायंगल दे देगा और एक बीच में कोई पॉइंट है, मान लो ये पी है, उससे यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे गए हैं आपके, ये परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, तो आपको ये बोल देगा कि जो ए एफ है इसकी लेंथ पी है, जो इसकी लेंथ क्यू है, यहाँ पे बी डी की लेंथ आर है, डी सी की एस है, ई सी की टी है, ए की यू है। तो आप एक को छोड़ दो बीच वाले को, जो पी का स्क्वेयर जमा आर का स्क्वेयर जमा टी का स्क्वेयर वो होगा आपका क्यू का स्क्वेयर जमा एस का स्क्वेयर जमा यू का स्क्वेयर, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। आगे इम्पोर्टेंट रूल बताए हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इस पे आप पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। देखो इसमें क्या दे देगा आपको, एक ट्रायंगल दे देगा एबीसी, उसमें बोलेगा कि आर भुजा बीसी पर कोई बिंदु है और आर से भुजा बीसी पर एक पॉइंट पी है और जो पीआर है उसकी लेंथ आपकी बीआर के बराबर होगी और ऐसा ही एक पॉइंट इस पे है क्यू, तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ होगी, या फिर सेकंड टाइप में आपसे पूछेगा ये ए बी सी कि इस पे एक बिंदु आर है, वही दो लाइनें खींच ली, तो यहाँ पे जो लेंथ बराबर होगी, बी सी दोनों में कॉमन है, बी आर सॉरी, यहाँ पे ये आर पॉइंट था, ये पी था, ये क्यू था, बी आर इसमें भी है इसमें भी है, पहले टाइप में वो पी क्यू को बराबर देगा, दूसरे टाइप में वो पी बी को बराबर देगा, यानी इसमें ये बराबर होंगे और उसमें ये बराबर होंगे, तो आपसे ए और एंगल जो ये थीटा यहाँ पे बनेगा इसका रिलेशन पूछा जाएगा। देखो जो ये एंगल ए और थीटा है इसका रिलेशन इस केस में होता है, यानी आपका थीटा प्लस टू टाइम्स ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। देखो बी आर तो दोनों में है ही, दो केस बनेंगे, बी आर दोनों में है, तो पी आर और क्यू आर, देखो ये दोनों लाइनें हैं वो थीटा के पास हैं, जब थीटा के पास है तो दूसरे एंगल को डबल कर दो। अब जो सेकंड केस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकंड केस में आपकी ये लाइनें इक्वल हैं, अब जो ये बी आर तो दोनों में था, अब जो ये जो इक्वल थी ये थीटा से थोड़ी दूर चली गई है, तो जो दूर चली गई है तो थीटा को डबल कर दो, क्योंकि थीटा को क्या है, कोई अगर दूर है तो अपने आप को डबल करवा देगा, पास है तो सामने वाले को डबल कर दो, तो यहाँ से टू थीटा प्लस एंगल